दोस्तों, पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए टाइम से फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़रूरी है। आज मैं अपने पौधों को फर्टिलाइज़र दे रही हूँ, वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ पौधों को किस तरह से फर्टिलाइज़र देना चाहिए। तो आज बहुत ही ज़्यादा सुंदर फूल खिले हैं और लाल वाले पर भी रेगुलर फूल खिल रहा है। ये फूल बिल्कुल अलग तरह का है। देखिए दोस्तों, इसकी जो पंखुड़ी हैं बिल्कुल गोल गोल हैं और एकदम वेलवेट जैसा फूल लगता है। ये बिल्कुल डार्क रेड कलर का, इसीलिए मैंने ये लिया था। इतना सुंदर फूल लगा एकदम से। इसकी जो वैरायटी है बिल्कुल अलग है। इसकी पंखुड़ियाँ फैली हुई नहीं है, बिल्कुल गोल गोल हैं। बहुत ही सुंदर लगता है ये फूल जब खिलता है। गुड़हल में बहुत सारी वैरायटी आती हैं, इतने सारे कलर्स आते हैं, बहुत ही सुंदर प्लांट है। आज काफ़ी फूल खिले हैं गुड़हल पर भी, क्योंकि बहुत दिन से यहाँ पर रेगुलर बारिश हो रही थी। आज लगभग 2-3 दिन से बारिश नहीं हुई है, तो पौधों की मिट्टी भी थोड़ी थोड़ी सूख गई है। तो मौका है कि आज मैं फर्टिलाइज़र दे दूँ प्लांट्स को, क्योंकि बारिश की वजह से तो फर्टिलाइज़र दे ही नहीं पाते हैं। तो जब भी आपको ऐसा मौका लगे कि बारिश नहीं हो रही है, 2-3 दिन से मिट्टी थोड़ा सूखी सी हो गई है, तो आप उस टाइम पे फर्टिलाइज़र अपने पौधों को दे दें, बहुत बढ़िया रहेगा। तो पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए वैसे बारिश बहुत अच्छी है, लेकिन फर्टिलाइज़र भी देना ज़रूरी है, क्योंकि एक छोटे से गमलों में हमारे पौधे लगे हैं और बारिश की वजह से गमलों में से जो भी फर्टिलाइज़र हम देते हैं वो बहुत जल्दी से निकल भी जाता है। तो ज़रूरी है कि फर्टिलाइज़र जैसे ही मौका लगे आपको 15-20 दिन में आप देते रहें। तो आज मैं जो फर्टिलाइज़र आपको बता रही हूँ उसके लिए आप या तो अपने जो घर पे किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाते हैं उसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर वर्मी कंपोस्ट का, या फिर जो गोबर की खाद होती है उसका यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी लगभग 2 चम्मच आपको खाद लेनी है। 1 लीटर पानी में इसको भिगो दीजिए। इसको हम 1 से 2 दिन के लिए रख देंगे ताकि अच्छे से तैयार हो जाए। इसका हम स्प्रे भी कर सकते हैं और अपने प्लांट्स की जो मिट्टी है उसमें भी दे सकते हैं। तो एक तो हम इस तरह से इसको बनाएंगे, जब तक ये बनता है जब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छे फूलों के लिए। दोस्तों, फर्टिलाइज़र आप अगर घर पे बना रहे हैं तो वो सबसे बढ़िया है। किचन वेस्ट से बनाया हुआ फर्टिलाइज़र जो होता है, जो भी कंपोस्ट हम बनाते हैं वो बहुत बढ़िया रहती है। उसका यूज़ अगर अपने पौधों में करेंगे तो कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से अगर वो नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं, या फिर आप गोबर की खाद का यूज़ करिए। तो इन तीनों में से ही इन चीज़ों को यूज़ करिए, इनसे बहुत ही बढ़िया प्लांट्स चलते हैं। बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से आप गार्डनिंग करेंगे तो बहुत ही बढ़िया प्लांट्स भी चलेंगे और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। तो दूसरी जो चीज़ है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हमें हर 15-20 दिन के अंदर करते ही रहना चाहिए, वो है अपने पौधों की गुड़ाई। अब जैसे बारिश हुई है और मिट्टी बहुत गीली है, सूख नहीं रही है, तो 1 से 2 दिन बाद इस तरह से अपनी मिट्टी को ऊपर नीचे कर दीजिए थोड़ा। इससे बहुत बढ़िया आपके प्लांट्स चलेंगे और जो प्लास्टिक के गमलों में भी पौधे लगे हैं उनको भी हवा मिलती रहेगी। और इसके बाद जब थोड़ी गुड़ाई हो जाए, थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच कंपोस्ट लेके इस तरह से पौधे पर डाल दीजिए मिट्टी में। कोई ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1-1.5 चम्मच अपने पौधों की गुड़ाई करने के बाद इस तरह से डाल दें। अगर मिट्टी गीली है छोड़ दें इसको अभी 1-2 दिन, शाम को या फिर सुबह को पानी दे दें। अगर मिट्टी सूखी हुई है तो आप साथ के साथ भी पानी दे सकते हैं। तो इस चीज़ का रिज़ल्ट आप देखेंगे बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो पूरे 2 दिन बाद ये फर्टिलाइज़र हमारा तैयार हो गया है। अब मैं इसको यूज़ करूँगी। देखिए इसका कलर भी बिल्कुल अच्छे से चेंज हो गया है। इसको आप अपनी स्प्रे बोतल में भर के अपने प्लांट्स पर स्प्रे करिए। इससे पत्तियाँ बहुत ग्रीन रहती हैं और कीड़े वगैरह से भी बची रहती हैं। स्प्रे करने के अलावा आप इसको अपने प्लांट्स की मिट्टी में भी दे सकते हैं, अगर आपने सूखा जो फर्टिलाइज़र है वो नहीं दिया है तो। बारिश के मौसम में सूखा फर्टिलाइज़र अच्छा रहता है। अगर हम इस तरह से लिक्विड फर्टिलाइज़र दें तो उससे और ज़्यादा मिट्टी गीली हो जाती है। बास्केट्स में या फिर छोटे गमलों में इस तरह से आप फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है। इससे पत्तियाँ देखिए बहुत ही ज़्यादा शाइन करेंगी, ग्रीन रहेंगी, क्योंकि काफ़ी पोषण पौधा पत्तियों से ही लेता है।
इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा आप भर के जो भी आपके छोटे छोटे से पॉट्स होते हैं जिनमें हम प्लांट्स लगाते हैं, हैंगिंग बास्केट्स होती हैं, उसमें इस तरह से लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए। इस तरह के पॉट्स बहुत छोटे होते हैं, इसमें गुड़ाई भी हम नहीं कर पाते, तो इसके लिए लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत बढ़िया रहता है। जैसे ही हम फर्टिलाइज़र डालेंगे पूरा नीचे जड़ों तक पहुंचेगा। तो बास्केट्स में इस तरह के छोटे छोटे पॉट्स में तो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दें, बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट मिलेंगे। तो इस तरह से मैं अपने पौधों को फर्टिलाइज़र देती हूँ और बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट इससे मिलता है, आप भी करके देखिए। और जब भी आप फर्टिलाइज़र दें इतना ध्यान रखें कि दोबारा जब भी पानी दें जब मिट्टी 2 इंच सूख जाए, गीली मिट्टी में पानी ना दें। तो दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, अच्छे से गार्डनिंग करते रहिए और खुश रहिए।